संतोष जी, क्या हाल है आपका? हेलो मैडम, कैसे हैं आप? हेलो जी। क्या भाई, आवाज आ रही आप मेरी? लोग, इतने सारे लोगों ने कहा कि मालीच की स्ट्रीम पे नहीं जाना, मुझे तो सारे इंडियंस दिख रहे हैं यहाँ पर। लो, ये क्या बात हुई? सबको अरे मैडम, मना एटलीस्ट किया ये छोटी सी था, कम्युनिटी वहां तो से है ऑर्डर इसलिए। आया था कि वहां मत जाना, वहां मत जाना। क्या हुआ, सब लेंगे आगे, देख लो आमना जी आपकी तो। ना, जी बोलिए बोलिए संतोष जी। मैं तो एथीएस की थोड़ी सी कम्युनिटी, और इसमें भी फाइट हो जाए और दरार हो जाए तो फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये किस वजह से हुआ संतोष ये मुझे नहीं पता, जी, नहीं देखिए संतोष लेकिन जी, फिर हम लोग बैठ भी के देखिए, गलत मैं यहाँ पर किसी भी रिलीजन के किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मगर जब आप बिठा कर वहां पर बार बार मुसलमान मुसलमान मुसलमान, आप इस्लाम को बोलो ना, मुसलमान मुसलमान, हर मुसलमान तो ऐसा दहशतगर्द है नहीं, क्योंकि अगर हर होता तो उनकी पॉपुलेशन देखो, सब हाँ मर गए होते अब तक, है ना। तो जब हेट, हम जब हेट स्पीच होते हुए देखते हैं ना, तो उस पर फिर बात की जाती है। या हिपोक्रेसी, अगर आप औरतों के इतने जुल्म और इतना वो वहां पर तशद्दुद, बैठ के वहां रो रही हो और औरत वुमेन कार्ड प्ले कर रही हो, तो कभी आपने किसी कन्वर्जन के बारे में बात की है? मैंने तो नहीं देखा आमना की हिस्ट्री में कभी भी उसने किसी एक औरत के उस पर बात की होगी। हाँ, अभी वो जो जिसको उस दिन छुरी मारी है हतून को वहां पे इंग्लैंड में, उसके एक उसमें आ गई थी, वरना तो उनके पास कोई टॉपिक नहीं होता। कभी नहीं देखा मैंने किसी औरत के हकूक पे बात की हो, तो फिर अपने हकूक लेने कैसे आ गई है फॉरन औरत को ड्रामा करने। सेम थिंग, वो जो दूसरी बैठी है वहां पर, जो बहुत पारसा बनती है मगर फिर गालियां भी दे रही है। लाइक, आप हिपोक्रेट नहीं बनो ना, सिर्फ पैसे लेने के लिए आप हिपोक्रेट बनी हुई हो, बिक गई हो, दैट्स ऑल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है। और मैडम दूसरा, वो सनातनी और सनातनी, तो देखो एक किसी भी वर्ड का एक मीनिंग होता है मैडम, ठीक है? जी तो जैसे सनातनी वर्ड का रियल मीनिंग ये है कि जैसे कि हम इंसान है, ठीक है ना? जैसे कि आपको कोई डोनेट करे, 1 लाख रुपीज डोनेट करे, तो आपको, आप उसकी तारीफ करोगे नहीं करोगे, है ना, ना? देखिए वर्ड्स वर्ड्स है, मगर हम लोग अपने वर्ड्स नहीं, बना लिए ना, हमने अरे हम मेरी बात अपने सुनो मैडम। निकनेम्स बना लिए इस वजह से। हाँ, हिंदूज में अलग है और सनातनी अलग है। सनातनी का मतलब ये है कि वी आर द ह्यूमन, हम इंसान है, ठीक है? तो हम हाँ इंसान, जैसे जैसे हमें समझ आई तो हमने सोचा कि यार ये माइंड है, ये हवा है, ये हमारे हमारे लाइफ को बचाती है। तो हमने हवा की वर्शिप शुरू की, ठीक है? फिर हमको पता चला कि हमको यार ये रेन है जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, तो हमने रेन की पूजा शुरू की। फिर हमको पता चला कि यार जमीन है जिसकी वजह से यहाँ पे अनाज उगता है, हमारा खाना उगता है, तो हमने इसकी वर्शिप शुरू की, ठीक है? फिर इसके बाद हमको वाटर की पता चला कि यार पानी है जिसकी वजह से ये, तो ये सनातनी है ना, ये शुरुआत यहाँ से होती है। दुनिया में कहाँ भी इंसान, कहीं भी इंसान हो, चाहे इंडिया में हो या सऊदी अरेबिया में हो या फिर साउथ अफ्रीका में हो या साउथ अमेरिका में हो या नॉर्थ अमेरिका में हो, तो इंसान ने शुरुआत यहीं से की मैडम। अगर आप हिस्ट्री पढ़ अच्छा लें तो ये नहीं, सारे वो सारे ठीक है। देखिए सनातनी देखिए, वो ठीक है ना, वो बात वही आ जाती है कि तो जब आप जिहाद पे बात करो तो मुसलमान कहते हैं नहीं, जिहाद ऐसा नहीं होता है, जिहाद नहीं, ये है, जिहाद वो वो है, जिहाद 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 तो जिहाद इट्स है अ तो सब डिफरेंट थिंग। बाद अरे में है। वी आर द सनातनी तो ह्यूमन, उसमें बन गई है ना, इट्स लाइक अ फनी वर्ड दैट वी यूज फॉर दीज पीपल। ऑब्वियसली हम, दैट्स नॉट फॉर एवरी सिंगल हिंदू और एवरी सिंगल इंडियन, इज नॉट दैट स्टूपिड, वी ऑल नो। मैं इंडियंस के साथ 25 साल से रह रही हूँ यहाँ पे, मुझे आज तक ऐसा जाहिल कोई इंडियन नहीं दिखा जो मुझे 2 हफ्तों में दिख गए। आई एम टेलिंग यू, सिर्फ एक भी नहीं, मैडम एक मिला था, एक मिला था, उसके अलावा दे आर ऑल। और बताऊँ क्यों? क्योंकि वो सक्सेसफुल है, वो अपनी लाइफ में बिजी है, वो अपने काम में बिजी है, वो नहीं है चूतिया पे की बातें कर रहे होते हैं। और वो मुसलमानों के साथ भी मिलते हैं, पाकिस्तानियों के साथ भी रहते हैं, दे वर्क टुगेदर, सब चीजें भुला कर। तो मुझे कभी पता नहीं था कि ऐसे भी इंडियंस ऑनेस्टली होते हैं। मैं तो आई एम लाइक इन अ शॉक स्टिल कि ये इंडियंस कहाँ से आ गए भैया, ये भी बिल्कुल ही वैसी जहादी, वही चीज, उसी तरह के कॉमेंट्स, उसी तरह के मिसोजिनिस्ट कॉमेंट्स कि ओ ये लड़की यूं कपड़े दिखा रही है, ये लकीर दिखा रही है, तुम लोग तो बड़े एडवांस सेक्युलर हो, तुम लोग तो बड़ी आजादी देते हो औरतों को, अब तुम औरतों को बैश कर रहे हो, क्यों क्यों वो तुम्हारे जरा थोड़ा सा अगेंस्ट बोल दिया है। तो आप भी उसी उस पे लेवल पे आ गए हो जहाँ पे जहादी होते हैं, ठीक है ना। तो दे आर द सेम, ये सारे नहीं मैं बोल रही, मगर सम ऑफ देम आर द सेम लाइक दैट, तो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। और अब मुझे कीड़ा किया तो अब मैं और बोलूंगी।
मेरा तो काम यही है। तो चले, और कुछ आप बोलना चाहेंगे संतोष जी? जो सच्चा सच्चा सनातनी होता है वो कभी दूसरे रिलीजन की बुराई नहीं करेगा। मैडम जैसे रिलीजन होता है वो अपने जो जमीन होती है, जो नेचर होता है उसके अनुसार होता है, ठीक है। मगर संतोष जी देखिए ना, तो आप लोगों को डिफरेंशिएट करना है। ये नहीं, ये चीज मैं मुसलमानों से भी कहती हूँ कि आप अपने मुसलमानों को रोको जो ऐसी चीजें बोल रहे होते, क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटिंग योर रिलीजन बैडली। तो आपके भी जो सनातनीज है ना, दे आर मिस रिप्रेजेंटिंग योर रिलीजन। अगर आप कह रहे हो कि वो नहीं है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे कि पंजाब इंडिया में भी है, पंजाब पाकिस्तान में भी है, ठीक है जी। और पंजाब में गुरु नानक साहब ने एक नए रिलीजन की शुरुआत की है ना, जिसको हम सिख धर्म के नाम से जानते हैं। तो उस समय तो मुसलमान भी थे और हिंदूज भी थे, तो उनको क्या पड़ी थी कि वो सिख धर्म की शुरुआत करें? क्या काटा होगा, आई डोंट नो कि सारे लोगों ने क्यों नई नई रिलीजन लेकर आए। मोहम्मद को क्या जरूरत थी, जीसस को क्या जरूरत थी, यू नो, सबको क्या जरूरत थी? मोहम्मद साहब को भी जरूरत थी और जीसस को भी जरूरत थी, ठीक है। मोहम्मद साहब है वो एक हॉट डेजर्ट में रहते थे, और हॉट डेजर्ट में कैसे जीना है, कैसे मिल बांट कर रहना है, कैसे इंसान को आगे बढ़ाना है, उन्होंने वो सिखाया, ठीक है। और जीसस ने कोल्ड डेजर्ट में कैसे रहना है, कैसे इंसान को आगे आगे बढ़ना है, कैसे शांति से रह सकते हैं, ये सिखाया, ठीक है। और गुरु नानक ने ये सिखाया कि भाई आप जैसे नदी किनारे रहते हो या दोआब में रहते हो, दो नदियों के बीच में रहते हो, कैसे जीना है, किस तरह से हमारे रूल्स होने चाहिए, किस तरह से हम इंसानियत आगे बढ़ती, क्योंकि धर्म तो आज से शुरू हुआ नहीं, क्योंकि अभी तो हमारे पास सारी सहूलियतें, सारी सुविधाएं, सारी यूटिलिटी। अच्छा, मगर संतोष जी पॉइंट क्या है आपका? पॉइंट क्या है? मैं आज इस पॉइंट पे बात कर रही हूँ कि हिपोक्रेसी आपके भी उसमें है और आपके लोगों में भी है। पॉइंट मेरा ये है कि जितने भी रिलीजन है वो अपनी नेचर के हिसाब से, अपनी जमीन के हिसाब से, जहाँ जो पकता है, जो जहाँ का जैसा मौसम होता है वैसे बनता है, ठीक है। तो जैसे इस्लाम है तो एक हॉट डेजर्ट का रिलीजन, ठीक है। नहीं, सारे रिलीजन जो सारे स्टार्ट हुए थे मिडिल ईस्ट में स्टार्ट हुए हैं ज्यादातर, और जो है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ है। मिडिल ईस्ट में मुझे ये बताइए, वेस्ट में कौन सा रिलीजन स्टार्ट हुआ यहाँ पर, सिवाय ये जो इंडियंस यहाँ पर थे उन लोगों का होता था, कोई और तो रिलीजन थी नहीं यहाँ पे। आप इंडिया आएंगे ना तो आपको लॉर्ड कृष्णा मिलेंगे, लॉर्ड रामा मिलेंगे, लेकिन लोकल लॉर्ड भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लेयर्स हैं यहाँ पे। अच्छा चलिए ठीक है, मगर मैं अभी आज मैंने पूरे हिंदुइज्म नहीं सीखना है, मगर खतना की शुरू हुआ ये बताओ। मुझे नहीं पता भाई खतना क्यों शुरू हुआ, मोहम्मद जी को कुछ होगी प्रॉब्लम, कोई इन्फेक्शन हो गया होगा, तो उन्होंने कहा होगा इसको काट दो, तो बस वहां से वो शुरू हो गया होगा। मोहम्मद जी का शुरू नहीं हुआ, जैसे कि डेजर्ट में होता है तो पानी कम होता है ज्यादा होता है, खतरे एक्चुअली ज्यूज जो है वो करते थे सबसे पहले। हाँ तो जूस के उन्होंने सोच समझ के किया ना, बड़े बड़े ये बिल्कुल साइंटिफिक था ना, जैसे आपके पास पानी कम है ना, और पानी पीने के लिए नहाने के लिए है नहीं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है आपकी कटी हुई हो या ना कटी हुई हो? इससे फर्क पड़ता है मैडम, है ना, अगर आप कटा हुआ नहीं हो, ठीक है, आप यूरिन करते हैं, ठीक है, तो काफी गंदा हो जाता है, तो वैसे भी तो गंदा होगा, पानी नहीं होगा तो फिर वैसे भी इन्फेक्ट हो जाएगा, चाहे आपका कटा हुआ या ना हो, इट्स द सेम। कटा हुआ सीधा निकल जाएगा ना, इन्फेक्शन नहीं लगेगा ना। ऐसे कैसे नहीं होगा इन्फेक्शन, कोई भी पेशाब करेगा और नहीं पहुंचेगा, चाहे उसका कटा हुआ या ना हो, इन्फेक्शन तो होगा। टच नहीं होगा ना, टच नहीं होगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर आप जैसे आप कह रहे हो नहीं होगा, लड़कियां हैं, लड़कियों भी जो है उनके तो खतने नहीं होते, मगर अगर आप धो नहीं अपने आप को सही से तो आपके भी इन्फेक्शन हो जाता है। डजंट मैटर कि आपका कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ है, वो तो इन्फेक्शन होगा आपको, यू नो, दैट्स नथिंग टू डू विद इट। आई थिंक आई डोंट अग्री विद इट कि आप ये बोल रहे हो कि रिलीजन इस वजह से बनी है कि नहीं, उनकी कल्चर शायद इस वजह से बनी है, क्योंकि उनकी सराउंडिंग की वजह से। चले संतोष जी, मगर मुझे आगे निकलना है, बहुत सारे लोग हैं। आप लोगों ने इस बारे में विचार नहीं किया कि भाई कोई रिलीजन में कोई नियम बने, कोई कानून बने, क्यों बने, किस तरह से बने, क्या फिलोसफी है, इस बारे में नहीं चाहिए ना, वो फिलोसफी नहीं चाहिए ना हमको, हमें ये दिख रहा है कि आप लोगों की रिलीजन, चाहे आपकी रिलीजन हो चाहे इस्लाम हो, उसको फॉलो करके लोगों का दिमाग आउट हो गया, पागल हो गए हैं वो, और वो दूसरे लोगों को टारगेट करते हैं। क्या सिखा रही है आपको, मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग और से ज्यादा, और आप नहीं मगर ऐसे लोग
ज्यादा से ज्यादा वायलेंट होते जा रहे हैं और इंसान की कदर नहीं कर रहे, तो आपकी रिलीजन इंसानियत नहीं सिखा रही है। आई एम सॉरी टू से दैट, दे आर नॉट टीचिंग इंसानियत। चले, थैंक यू संतोष जी, थैंक यू सो मच, आपको मैंने बहुत टाइम दिया यार, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है मैं बैठ के इतना वो सुनूं। उन लोगों के चैनल पे जाया करें ना, उन लोगों को सिखाया करें, आप लोग अपने चैनल पे सनातन धर्म सिखाओ ना, मेरे चैनल पे थोड़ी ना करो उस तरीके से। जो रिलीजन है ना वो इस वजह से यानी जगह के हिसाब से बनी है अकॉर्डिंग टू द पर्सन, और उनका मैंने पूछा क्यों, तो वो कहने खतने क्यों हुए थे, तो बंदे की लॉजिक ये थी कि खतना इस वजह से करवाया था क्योंकि रेगिस्तान में पानी नहीं होता, तो जब आप सही धोगे नहीं और वो एक्स्ट्रा स्किन वहां पर है तो इन्फेक्शन ज्यादा होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास पानी वैसे ही कम है और अगर खतने के बावजूद आप नहीं धोगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा आपको? मेरे ख्याल में खतने का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है हाइजीन से, ठीक है। इंसान की बॉडी में फोर स्किन के साथ भी अपने आप को सैनिटाइज करने का प्रॉपर तरीका सारा है। बेसिकली ये मैस्टरबेशन से रोकने के लिए नौजवानों को सरकमसाइज किया जाता था, क्योंकि मैस्टरबेशन जब फोर स्किन होती है तो फोर स्किन मैस्टरबेशन में हेल्प करती है, तो वो ये समझते हैं थे कि मैस्टरबेशन इज समथिंग अनहेल्दी। तो अब तो साइंस भी ये साबित कर चुकी है कि मैस्टरबेशन इज जो है ना कोई अनहेल्दी बात नहीं है, इट इज परफेक्टली हेल्दी। अगर अगर कोई नौजवान मैस्टरबेट नहीं कर रहा then there should be concern rather than ये। दूसरी बात यह है कि फिर इसको पॉपुलराइज करने वाले यहूदी, और यहूदी तो अगर आप बाइबल को देखें तो बाइबल में कोई वजह नहीं है कि आप सरकमसाइज क्यों हो रहे हैं, ये कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं उसका लिखा हुआ बाइबल के अंदर। उसके अंदर ये लिखा है कि तुम्हारा खतना जो है वो निशान है कि तुम खुदा के लोग हो, यानी मख्तून होना या सरकमसाइज होना, ठीक है। ओल्ड टेस्टामेंट गालिब सर, आई थिंक इसके हाइजीन का कोई मसला, उन लोगों को हाइजीन का नहीं पता था, आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल में ये था कि जब इंसानों की कुर्बानियां दी जाती थी तो ये इट वाज अ टोकन सैक्रिफाइस, वो ये था कि बजाय इंसान की कुर्बानी देने के आप अपने जिस्म को जो फालतू हिस्सा है उसको काट दें। जैसे मिसाल के तौर पे आपको कोई मन्नत मान, सिर्फ आपका ख्याल ही नहीं है, ये वाकई ये बात ऐसी है। This is my idea. I thought about it. I've never read about it, but this is my speculation. Okay. जैसे आप कहते हैं, जैसे आप कोई sorry, let me complete. जैसे आप कोई मन्नत बहुत बड़ी मांग लेते हैं और बाद में उसके otherwise कोई फैसला आ जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे प्रॉफिट के वालिद का हुआ था, उन्होंने कहा मैंने 100 ऊंट कुर्बान करने हैं, नहीं पहले अपने सन को कुर्बान करूंगा, उन्होंने कहा फिर आप ऊंट कुर्बान कर दें। इट इज सिमिलर थिंग कि बजाय कि आप कुर्बानी देने के आप जो अपनी फोर्स के फालतू चीज का थोड़ा सा शर्तिया तौर पे एज अ टोकन सिंबल आप वो जरा काट दें, तो उनके बाद में उनके यहाँ प्रॉपर ये रस्म बन गई। इसका हाइजीन से कोई ताल्लुक नहीं, एंड दे वर नॉट क्लेवर इनफ टू फिगर दैट आउट। आई डोंट थिंक जूडाइज्म के कुछ सेक्स के अंदर फोरस्किन काट के और उसे उसी कुर्बानगाह पे जलाया जाता था जहां पे दूसरी कुर्बानियां जलाई जाती। आपको लॉजिक बता रही थी मैं कि लोग जो आते हैं वो अपनी लॉजिक क्या लेकर आ रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो ऐसे लोगों से? ये डिसलाइक ही तो मारेंगे ना हमारी चीजों को, एक शेरनी ने सब हराम को हराम कंपनी को पछाड़ के रख दिया। ऐसा धोया इसने कसम से, ऐसा धोया मैं तो इसके टैलेंट पे, मैलिज के टैलेंट पे शॉक हो गया। मिमिक्री वाला जो टैलेंट है ना, दैट इज लाजवाब। मैं बॉलीवुड पहुंच गई तो देखो इन लोगों की फट जाएगी फिर। ओ आई एम सॉरी वाले, आई कैन नॉट से दैट बट ओके सॉरी, मैंने उससे निकल गया। ओके गाइस, मैंने बस यही पूछना था। ठीक है मैलिज, थैंक यू, आती रहिए, ठीक है, ओके ओके।